असलम जी वेलकम बैक टू अनंत वीडियो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के वीडियो में डिनर के लिए बना रही हूँ स्टीम रोस्ट सर्दियाँ हों और स्टीम रोस्ट बहुत ही याद आता है क्योंकि पाकिस्तान में ना सर्दियों में शादियों का सीज़न होता है तो मजोरिटी ऑफ द शादियाँ जो हैं उनके ऊपर स्टीम रोस्ट तो ज़रूर मिलता है तो मैं बस आज वो बना रही थी बिकॉज बहुत दिल करा था खाने के लिए तो ये चिकन लेग पीसेज ली हैं लेग क्वार्टर्स उनमें मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं पानी में मैंने डाला है सरका अबाउट दो टेबल स्पून आप कह लें और दो टी स्पून मैंने उसमें डाला है नमक उसमें मैं पानी डालूंगी इतना कि पूरा चिकन डिप हो जाए और इसको अबाउट एक घंटे के लिए ना हम सोक कर देंगे और मैंने इसमें गार्लिक पाउडर भी डाला था आप चाहे तो फ्रेश गार्लिक कट करके डाल लें तो जी एक घंटे के बाद मैंने चिकन पीसेस जो हैं उनको पेपर टॉवल से अच्छा सा ड्राई किया है बिकॉज़ हमने इसको फ्राई करना है अगर आप उसे सुखाएंगे नहीं तो आई एम श्योर बहुत छींटे वग़ैरह उड़ेंगी ऑयल के अंदर तो उसे मैंने दोनों साइडों से ड्राई किया है और फिर मैंने तेज़ आग के ऊपर इसको इतना फ्राई कर लिया है दोनों साइड से कि उसका हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर है ना वो आ गया तो बस आपने यही करना है और मैंने देखें फ़र्स्ट साइड जो है वो चेंज तब की है जब नीचे कलर आ गया और उसके बाद मैंने साइड फ्लिप की बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर की ज़रूरत नहीं है अच्छा उसके ऊपर मुझे नज़र आ रहा था एक क्रिस्प जो है ना वो आउटर स्किन उसकी क्रिस्पी हो गई है तो मैंने उसे उतार लिया अब जी हम इसकी मैरिनेशन बनाते हैं उसके लिए मैंने ली है तीन टेबल स्पून योगर्ट और आपने गाढ़ा दही लेना है ये मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से उतारा जिसमें पानी नहीं था उसके अंदर मैं डालूँगी मैं बस ज़ीरा और सूखा धनिया इनको मैंने कूटा है हल्का हल्का सा आम, और एक टी टेबल स्पून जो है वो ये बनता है दोनों इसके अलावा मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स इसके अंदर आप अपनी मर्जी से स्पाइसेस जो है ना वो ऊपर नीचे कर सकते हैं मैंने एक से थोड़ा सा ज़्यादा टीस्पून डाला था और उसके बाद मैं डाल रही हूँ उसमें रेड चिली पेपर जो हीप्ट है और मैंने ऑलमोस्ट ढाई टीस्पून जो है ना वो डाली है इसके अलावा मैं चाट मसाला डालूँगी एक टी और नमक मैंने इसमें दो टी डाला है बिकॉज़ पहले भी दो टी जो है ना वो हमने पानी के अंदर सोव करते हुए डाला था और फिर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और मेरे पास लेमन है मैंने एक जो बड़ा सारा लेमन था उसका हाफ का जो स्क्वीज़ कर दिया है लेमन जूस और थोड़ा सा मैंने इसमें इस रंग डाला है ऑप्शनल है आपने डालना है डाल लें वरना दैट्स परफेक्टली ऑल राइट और बहुत थोड़ा सा ऑयल क्योंकि ऑयल डालने से ये होता है कि जब मैं इसे चिकन के ऊपर कोट करूँगी ना तो अच्छे से कोटिंग हो जाएगी तो वन बाय वन मैंने पीसेस उठाए हैं उनको मैंने मैरिनेट uh, जो बनाया है इसके अंदर दोनों साइड से मैंने डिप किया है और उसको अच्छा सा कोट कर लें अब जो ये रेसिपी मैंने बताई है मैंने फ़ाइव चिकन पीसेस लिए थे मतलब लेग और था है। और मैंने इतना मिक्सचर बनाया था कि एग्जैक्ट उसके ऊपर कोटिंग हो गई थी कोई मेरे पास मैरिनेट जो है ना वो एक्स्ट्रा नहीं बचा था तो आई थिंक अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका भी इतना ही बनेगा तो उसके बाद मैंने उसी कंटेनर में चिकन पीसेस को जो ना वो डाल दिया और मैंने उसको मैरिनेट होने रख दिया तीन से चार घंटे उसके बाद मैंने स्टीम राख अमेजोन से ऑर्डर किया था पानी में फसले में थोड़ा सा पानी डाला उसमें स्टीम राक रखा और मैंने पार्चमेंट पेपर बचाया इसमें अगर मैंने अगली क्लिप में फॉइल भी नीचे लगा दी थी लाइक जो एलुमिनियम फ़ॉयल होती है और उसके ऊपर चिकन रखी थी तो मतलब ऐसे करना है कर लें अलमिनियम फ़ॉयल लगानी है धोके वरना ऐसे भी सही है उसके ऊपर मैंने डाले हैं सेसमी सीड्स और मैं इसको अच्छा सा रैप कर दूंगी ऊपर हम ढक्कन दे देंगे और आई थिंक अबाउट एक घंटा जो है मैंने इसको मीडियम आग के ऊपर स्टीम दी थी तो जी एक घंटे बाद देखिए मैंने इसको निकाला है आ, अच्छा डिलीशियस जूसी चिकन बना था ना कि मैं आपको क्या ये बताऊँ और ये जो स्पाइसेस मैंने आपको बताई हैं बिल्कुल माइल्ड स्पाइसीज थी बिकॉज हमारी बेटी ने भी खाना होता है, तो मैं कुछ स्पाइसी नहीं बनाती आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें नमक मही तेज़ कर सकते हैं तो उसके साथ मैं प्लेटर बना रही हूँ तो मैंने उसमें कोकम्बर डाला है साथ मैंने पीटा ब्रेड रखी है फ्रेंच फ्राइज एयर फ्राई किए थे वो डाले हैं और जो आपको नज़र आ रहे हैं प्याज इसके ऊपर लाल मिर्च नमक और सरका है और उसको अच्छे से मैंने आ, हाथ से जो न थोड़ा सा मिक्स कर लिया था कि प्याज थोड़े यू नो इतने क्रंची ना रहें थोड़े सोगी से हो जाएँ और साथ मैंने हरी चटनी बनाई है और उसके अंदर दही मिक्स कर दी तो हरा रायता और जी ये क्या कमाल चिकन बनी थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये तुम तो रेसिपी डालो मिलियन व्यूज आने चाहिए तो वो तो पता नहीं लेकिन सारी ग्रेविंग्स जो है ना वो फुलफ़िल हो गई थी और ये मैं आपको अभी टेस्ट कराने लगी हूँ कितना टेंडर मतलब इतना वेल कुक था कि मैंने उसे हाथ लगाया और पूरी बोन आउट मतलब ऊपर से अलग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इतना सॉफ्ट जूसी अंदर तक चिकन जो है न वो पका हुआ था अब मैंने तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े से खाया तो आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको तो भी मज़ा आएगा तो जी ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं और मेरी बेटी हम नाश्ता कर चुके थे ये मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही हूँ और जो वो नाश्ता वो करते हैं जी मैं वो बिल्कुल भी नहीं करती उनके लिए मैं बना रही हूँ मैंने ब्रेड टोस्ट की है उसके बाद क्रीम चीज स्प्रेड की है और जिसमें चीज़ जो डिफरेंट चीज़ है वो है जी स्मोक्ड सामन वो स्मोक्ड सामन बहुत शौक से खाते हैं मुझे फिश पसंद है लेकिन <laughs> कुकड फिश यू you नो know? मैं तो अगर सूशी भी खाऊँ तो मैं इसमें टम्पूरा वग़ैरह जो है ना वो ऑर्डर करती हूँ कि उसमें कुकड चीज़ें एटलीस्ट आ रही हूँ एनी हाउ uh, उनके लिए मैंने ये बनाया है स्मोक्ड सामन uh, और इसके ऊपर मैंने डाले हैं केपर्स वैसे इस ब्रेड uh, के ऊपर ना बहुत अच्छा लगता है पोस्ड एग्स या स्क्रैम्बल्ड एग्स लेकिन आज मेरे हस्बैंड का मूड नहीं था तो आज सिर्फ उनको बहुत सिंपल सा ब्रेड क्रीम चीज़ केपर्स और स्मोक्ड सामन वाले ब्रेड बना दी और ये जी हमारे घर अठारह बॉक्सेस टिश्यू पेपर्स के आ गए जो कि मैं नहीं लेकर आई इसकी स्टोरी ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ग्रोसरी शॉपिंग करने गए थे बहुत होगी एक दो चीज़ें लेने के लिए ले गए और वहाँ पर जाके मुझे फ़ोन कर रहे हैं अच्छा मैंने ये भी ले लिया ये भी ले लिया और ये मेरी बेटी के कपड़े हैं ये भी वही लेकर आए हैं जिनका मुझे घर आ पता चला कि वो ले आए हैं और वो इतना सामान की वो ले आए हैं बिकॉज़ उनको था कि अगर मैंने वन ट्वेंटी डॉलर्स की शॉपिंग की ना तो थर्टी का गिफ्ट कार्ड मिलेगा उन थर्टी डॉलर्स के पीछे हमने मेरे हस्बैंड ने बस वो वो चीज़ें ख़रीदी हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी और उनमें से एक चीज़ ये मेरा हेयर डाई भी है ये हम मेरे पास आश ब्लॉन्ड हेयर डाई आ गया तो इसको भी आ, भी करना है तो जी उसके बाद हो गई रात ये मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई है साथ वही कप केक्स जो वो ग्रोसरी कर कर आए हैं उसमें एक कप केक्स भी शामिल थे तो हमने बैठ के जी खाने के बाद मज़े से चाय पी है साथ कप केक्स खाए हैं ठंड काफ़ी हो गई थी माइनस वन टू टेम्परेचर हमारे पास चला गया है तो फायरप्लेस भी ऑन कर ली तो जी ये थी आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी तो थैंक यू फॉर अल्लाह हाफिज़